एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोगों ने कल का मेरा व्लॉग देखा होगा जिसमें मैं पूले घूम रही थी। खाना वाना हमने खा लिया था, उसके बाद हम वहां से 1.5 घंटा दूर एक जगह पे आए जिसका नाम है साउथ बोर्न। हमें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था, बट चलते चलते बहुत साफ सा इलाका दिखा। ये देखो, तो अंदर घुसे तो यहाँ पता लगा यहाँ पे भी एक बीच है। तो अब हम आए हैं साउथ बोर्न बीच, तो मैं आपको दिखाती हूँ साउथ बोर्न बीच कैसी है। हम लोग बीच के पास आ गए ना, और मेरी नाक बंद हो गई, इतनी ज्यादा ठंड है, इतनी ज्यादा। और रुपिन को कह रहा है नीचे जाने को भी फायदा नहीं है, यही से दिखाओ नक्की घर अपने से नहीं हो रहा। भाई बीच सारी सेम नहीं, बीच सेम नहीं होती, नीचे जाना पड़ता है। आप लोग मेरे बाल जैसे उठ रहे हैं उससे गेस कर सकते हो, बहुत ज्यादा ठंड है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड है। हाथ एकदम से हो गए हैं, बापरे बाप। नीचे जाते हैं, सिर्फ इस व्लॉग के लिए मैं नीचे जा रही हूँ। अगर इसको सबने बुरा नहीं देखा ना, बाय गॉड दिल से बुरा लगेगा साहब, दिल से बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, आपको भी लगेगा क्योंकि आप भी नीचे जा रहे हो। तो हम नीचे जाते हैं और मिलते हैं आपसे नीचे। हम भागते दौड़ते नीचे से पहुंच गए और ये मेरे से चिड़ के कहता हूँ करना क्या, इधर ही भी बता दे। ये देखो ये क्या है यहाँ पे, ये पता नहीं क्या है, गंदा है क्या? ओके, यहाँ बंदे लगते कम आते हैं। ये देख लो भाई आप लोग भी, हम तो थक गए, चलो हम भी जाते हैं, बाय बाय। वो सामने क्या है, बादल है क्या नीचे, पता नहीं, जो भी अच्छा है। ये देखो इसको। चलो हम वापस ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके मिलते हैं। इतनी बुरी हालत हो गई है ना यहाँ के, ऐसे लग रहा है इतनी मोटी मोटी जैकेटें भी कम है, भाई गॉड इतनी ठंड है। कौन है? चलो एक बार आपको वेव्स दिखाते हैं, वेट। ये देखो अब मैं रुपन से लड़ भिड़ के पहुंच गई यहाँ तक, और यहाँ की जो पानी है ना वो एक्चुअली बहुत अच्छा है। पानी सारे एक जैसे होते हैं वैसे तो, बट बाकी बीच से थोड़ा अच्छा पानी है। बाय बाय। डिसीजन बना लिया कि हम ऊपर चलते हैं, नाक हो चुकी है पूरी बंद। तेरी मेरी नहीं, मेरी आधी खुली है। अब हम फिर से जा रहे हैं ऊपर, पूरी पहाड़ी चढ़नी पड़ती है यार। नीचे आने में तो बहुत मजा आता है, ऊपर जाते जाते बैंड बज जाते हैं। तो चढ़ते हैं ऊपर और मिलते हैं। फाइनली ऊपर तक तो आ गए हैं, अब देखते हैं साउथ बोर्न में मार्केट कैसी है, क्या सीन है यहाँ पे, और फिर आपको भी दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो है वो मुझे दिख रहा है कि जो रेजिडेंशियल एरिया है ना साउथ बोर्न, एक्चुअली इट्स रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ हम रहते हैं वहाँ अकोमोडेशन एरिया, लाइक स्टूडेंट अकोमोडेशन है वहाँ पे ज़्यादा। तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। काफ़ी घूमे यहाँ पे, कुछ स्थान भी साउथ बोर्न में, सिर्फ यहाँ की बीच अच्छी है और यहाँ पे रेजिडेंट्स रहते हैं, मतलब बहुत रेजिडेंशियल एरिया। तो हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, रास्ते में देखते हैं और कोई मार्केट आगे कौन सी आती शायद बॉस्कॉम की मार्केट आगे। साउथ बोर्न की मार्केट है अभी पता चला है, पता ही होगा इसने कि साउथ बोर्न की एक मार्केट भी है। अभी हम जहाँ घूम रहे थे वो अलग एरिया था बीच वाला, एक इसकी मार्केट भी है। तो रुकते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं मार्केट। जिंदगी में कुछ एक्साइटिंग ना हो ऐसा तो देखो हो नहीं सकता। हम लोग उतरे, एक तो वैसे यहाँ के नाम भाई सब समझ नहीं आते हैं, पता नहीं क्या टुको टुको। ऐसे अजीब अजीब तो नाम है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आता, रो रही अम्मा, पता नहीं क्या है। तो अब हम यहाँ उतर गए, पता चला हम एक स्टॉप पहले उतर गए हैं। अब हमने डे राइडर तो बना ही रखा है, हम चलें क्यों, हम लेंगे फिर से बस एक स्टॉप के लिए। तो अब हम बस में बैठते हैं फिर से, रो रही अम्मा से आगे निकलते हैं। 8 मिनट
हम वेट ही करेंगे, फिर हम वेट करके फिर आपको मार्केट में मिलते हैं सीधा। बस बहुत लेट कर रही थी और हमें पता चला कि जो मार्केट है ना वो बंद हो जाएगी, तो पूरा दिन स्पॉइल हो जाता है, इसलिए बैठे हमने समझा कि हम चल ही लेते हैं। तो अब हम चल पड़े हैं, हम मार्केट पहुंचते हैं और फिर मिलते हैं। यहाँ से मार्केट शुरू होती है और मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी यहाँ रॉयल आर्केड है। बॉर्नवा में बहुत सारे आर्केड बने हुए हैं। आर्केड का मतलब हुआ कि पतली पतली गलियाँ हैं, मतलब कवर्ड गलियाँ हैं, मॉल भी नहीं कह सकते, कॉम्प्लेक्स भी नहीं कह सकते, बट ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पे जो स्टॉल्स लगते हैं ना हमारे वहाँ पे भी वैसा कुछ है यहाँ। तो हम चलते हैं आर्केड की तरफ, आपको भी दिखाते हैं। आर्केड, ये वाला छोटा आर्केड था, अभी इससे बड़ा आर्केड भी है, पता नहीं कहाँ है, तो उसको वो मिलेगा तो वहाँ पे भी चलेंगे। फिलहाल आप देखो ये मार्केट ऐसी है जहाँ हमेशा ना 24 घंटे डेकोर हुआ रहता है। तो मैं आपको ये मार्केट दिखाती हूँ, देखो हम लोग सेंटर ढूंढ रहे थे ना, जो आर्केड सोच रही थी मैं, वो आर्केड नहीं एक्चुअली शॉपिंग सेंटर ही है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर शॉपिंग सेंटर, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। रुपन बहुत उदास है, रुपन इतनी बुरी शक्ल, रुपन इतनी गंदी शक्ल, क्योंकि हमें मार्केट मिली है बंद और हमें ऊपर से, एक तो बंद मार्केट और ऊपर से उसने हमें टोक दिया कि यार वीडियो नहीं बनाते, ऐसी की तैसी। हमने तो भाई बना ली, हमारे बंदे कौन सा यहाँ आके बैठ जाएंगे, क्यों भाई इंडिया में बैठे हैं सारे। That's right. अब हम जा रहे हैं, कुछ नहीं कुछ खा ही लेते हैं, मार्केट तो बंद मिली है, देखो बेचारी इनको भी, कुछ खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। हम लोग आ गए मैकडोनल्ड्स, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं समझ आता यार, और आजकल यहाँ पे वीगन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, तो सबने वेज ऑप्शन दे ही दी है। तो हम कुछ खाते हैं, अंदर रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। बस वो लड़ाई होगी बिट्टे हमें, आपको लड़ाई देखनी है, मेरे को मारेंगे वो आगे बाय में खा गया। मैंने हम वहाँ से खाया है और अब हम जा रहे हैं वापस घर। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मतलब इतना घूम लिया था, घूम लिया, हम पहुँचते हैं घर। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं कल अपने नए ब्लॉग के साथ, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए और प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट, बाय।